हेलो गाइस, अगर आपका ओप्पो में लॉक लग गया है गलती से और वो ओप्पो का लॉक आपसे अनलॉक नहीं हो पा रहा है, या आप पासवर्ड भूल गए हो, या पैटर्न लॉक है या पिन लॉक है और वो फोन आपसे अनलॉक नहीं हो पा रहा है, आपसे बाय चांस गलती से फोन लॉक हो गया, तो फ्रेंड इसमें दिक्कत क्या बात है। फ्रेंड आपका जो लॉक होता है, जो आपने लॉक स्क्रीन फोन पे लगाए हो कि पासवर्ड पिन पैटर्न, और वो लोग हम लोग भाई जो होते हैं कि पासवर्ड चेंज करते रहते हैं हर समय अपने फोन में, कोई जान जाता है तो तुरंत पासवर्ड चेंज कर देते हैं अपने फोन के सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वही लॉक को हम लोग भूल जाते हैं, गलती से मिस्टेक हो जाता है कि एक अंक एक डिजिट का अंक जो होता है हम लोग भूल जाते हैं और वो फोन हमारा ओप्पो का लॉक हो जाता है और हमसे अनलॉक नहीं हो पाता है। पर इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम अपने ओप्पो स्मार्टफोन के कोई भी मॉडल का लॉक कैसे अनलॉक करते हैं, इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी। तो आइए फिर मैं बिना देर किए पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। फ्रेंड पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाने के बाद ऊपर से स्लाइड करोगे तो आपके सामने ये एयरप्लेन मोड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद इसे ऊपर कर दीजिएगा और यहाँ पे हमें सर्विस सेंटर का कोड यूज करना है, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे सर्विस सेंटर का कोड क्यों यूज करना है, जिसे हमें एक्टिवेट करना है, तो ये कोड मैं आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज ये कोड आप सभी उतार लीजिएगा अपने कॉपी में या अपने फोन में नोट कर लीजिएगा ध्यान पूर्वक से, कि कोई भी एक अंक आपका छूटना नहीं चाहिए। एंड देन ये कोड डायल करने के बाद इसे हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने कॉल वाला ऑप्शन मिलेगा, कॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, इसे इग्नोर करके ओके कर देना है और यहाँ पे तीन टाइम ऐसे ही करना है, 2 3 3 टाइम हमने यहाँ पे कॉल कर दिए हैं। एंड देन इस कोड को इरेज करने के बाद मात्र 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा ताकि हमारा कोड एक्टिवेट हो सके। अगर 5 सेकंड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सेकंड कोड आप यूज कीजिएगा जो कि मास्टर अनलॉकिंग कोड है, ये *#899 और ये हैश, ये कोड डायल करते ही आप अपने ओप्पो के सेटिंग में आ जाओगे जो कि इंजीनियर मोड होगा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से अपने फोन का सेटिंग भी जो होगा लॉक का ऑफ कर सकते हो, फिर अपने पासवर्ड मनपसंद पासवर्ड भी डाल सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे 4 नंबर मैनुअल टेस्ट पे आपको आना है, 2nd नंबर सेंसर पे आना, नहीं डिवाइस पे, सॉरी फ्रेंड डिवाइस पे आना है आपको। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे आपके फोन में सेंसर यहाँ पे मौजूद होगा, एक होगा या दो होगा या तीन भी हो सकता है या चार भी हो सकता है, लेकिन ये दो सेंसर हमारे फोन में अभी दिख रहे हैं, आपके भी फोन में हो सकते हैं एक या दो या तीन, ठीक है ना। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप कोई भी ओप्पो का मॉडल यूज करते हैं तो वो सेंसर का दिक्कत होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जितना आपके फोन में सेंसर मौजूद है सबको स्टार्ट कर देना, टेस्ट स्टार्टेड। यहाँ पे देख सकते हो पहला हमारा टेस्ट पास हो चुका है जो कि यहाँ पे जायरोस्कोप का ऑप्शन आया है, इसे बैक कर लेना है। फिर हमारा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जायरोस्कोप का टेस्ट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये जायरोस्कोप सेल टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे पहले इसको स्टार्ट कर देना है और इसे बैक कर लेना है, और जायरोस्कोप नॉइज डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे भी आपको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे ही सेंटेंस देख सकते हो यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो गया, तो इसे बैक कर लीजिएगा, फिर बैक कीजिएगा और नीचे आपको आना है जो कि एम सेंसर ऑटो टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा लॉक जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, मात्र होम बटन को क्लिक करना और चेक करना है कि आपका ओप्पो का हैंडसेट जो है वो अनलॉक हुआ या नहीं हुआ। देख सकते हो गाइज यहाँ पे मेरे लाइव प्रूफ करके दिखा दिया हूँ, मैंने यहाँ पे ना कंप्यूटर की मदद ली है ना कोई सॉफ्टवेयर यूज किया, आपके सामने 3 मिनट में आपका फोन अनलॉक करके दे सकता हूँ। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।